गुड इवनिंग डियर पार्टिसिपेंट्स, रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ एकेडमिशियंस, टीचर, एजुकेटर्स, some of the participants and members have joined this session. I am very happy to announce that today is the day we are going to inaugurate a very most awaited program, online teacher education program. We are waiting since long time, because I was facing some health issues since few months. That's why I was unable to plan or to design a particular program. I am also very happy to share with you all that more than 500 participants have shown interest in this online teacher education program in the name of internship cum training. First of all, now I am seeing that students, teachers, teacher educators, prospective teachers, prospective teacher educators are joining this session. Those who are new to this community or to our programs, I want to tell that this community is basically for teachers, teacher educators, and for prospective teachers and for prospective teacher educators. Hamara ye jo online platform hai, basically मेनली सोशल मीडिया जो फेसबुक है उस पर हम एक फेसबुक ग्रुप के रूप में हैं, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ दी एकेडमिशियंस स्टूडेंट्स हम एक साथ हैं, लगभग 64,000 की संख्या है. और ये ग्रुप आज से 10 साल पहले 2011 में मैंने बनाया था. जून में इसके 10 साल पूरे होंगे और धीरे धीरे ये ग्रुप आज एक यात्रा के इस पड़ाव पर है कि देश के 100+ सिटीज से हमारे साथ स्टूडेंट्स, टीचर्स, टीचर एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं, हमारे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, हमारे कार्यक्रमों में योगदान भी देते हैं. उन सबका सहयोग है. जो लोग हमसे पहले जुड़े हैं रहे हैं वो जानते हैं क्यों बनाया गया. इसके पीछे सिर्फ एक मकसद था कि कलेक्टिवली हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके, मीनिंगफुल एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करके. कैसे हम काम कर रहे हैं, हमने पैंडेमिक में, कोविड पैंडेमिक में जो पिछली फर्स्ट वेव थी, 100 दिन तक लगातार एक ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज की थी. भारत पढ़े ऑनलाइन, जो भारत सरकार का, हमारे शिक्षा मंत्रालय का एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान था, उसके अंतर्गत उससे प्रेरणा लेकर के हमने 120 से अधिक हमने ऑनलाइन लेक्चर बिना किसी ब्रेक के अपने इसी प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनाइज किए थे. और हम सभी ने, देश के जो टॉप टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं,
उनमें काम करने वाले हमारे मित्र, हमारे वरिष्ठ, हमारे गुरुजन के रूप में जो भी परिचित थे उनसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और उसके बाद देश भर से हमें इस अभियान में सहयोग मिला, समर्थन मिला और विद्यार्थियों की भी सक्रिय सहभागिता मिली और ये सफल कार्यक्रम रहा जिसमें मुझे बहुत संतुष्टि मिली। और उन सबके जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं उसको हमने एक YouTube चैनल बनाया टीचर एजुकेटर्स _SS के नाम से। वहाँ पर सारे वीडियोस सुरक्षित हैं जहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। उसी की अगली कड़ी में बीच बीच में हमारे इस टीचर एजुकेटर्स कम्युनिटी से बहुत सारे वॉलंटियर्स भी जुड़ गए हैं। एक छोटी सी टीम बन गई है जिसमें हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, एमएड के स्टूडेंट्स भी हैं, बीएड के स्टूडेंट्स भी हैं, एमए एजुकेशन के डिग्री होल्डर्स भी हैं। एक छोटी सी टीम जिन लोगों ने इंटरेस्ट शो किया कि हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसकी सहायता से, हालांकि इस समय बहुत चैलेंजेस हम सबके साथ हैं, कोविड में हम सब बड़े परेशान हैं, हम सब बड़े दुखी हैं, जिस तरह की चुनौतियां हम सभी फेस कर रहे हैं जो सेकेंड वेव है कोविड की, ऐसे में हमें सुरक्षित रहना है। एक बार फिर से हम सब अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हुए हैं। घर में रह कर के हमें अपनी संस्थाओं से जुड़े जो दायित्व तो हैं ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के, उनको भी निभाना है, चाहे टीचर के रूप में हो या आप स्टूडेंट के रूप में, आपको पढ़ना है। उसी के अंतर्गत हमारी ये कोशिश है, मेरे पास बहुत से बच्चों के जो हमारे बीएड के स्टूडेंट्स हैं, डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, बीएड स्पेशल, एमएड स्पेशल, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर बीएससी बीएड बीए बीएड के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तक कि पीएचडी जो कर रहे हैं रिसर्च स्कॉलर्स, उनके भी मैसेज आते रहे कि सर अब आपके प्लेटफॉर्म पर एकेडमिक प्रोग्राम्स कब होंगे और किस रूप में होंगे, आप कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज कीजिए, कम से कम वीकली ऑर्गेनाइज कीजिए जिससे कि हम लोगों को मदद मिले। अब तो कोरोना के पेंडेमिक में हम सब घरों में हैं, तो हालांकि समय की चुनौतियां हैं हम सबके साथ, लेकिन हमने कहा चलिए शुरू करते हैं और इसको नीड बेस्ड बनाते हैं। शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से लोग जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम को लाने के पीछे जो सोच हमारी है, मेरी या हमारी जो टीम की, हमारे मेंटर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, उन सब की वो एक कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मैंने थोड़ा सा समय लिया है, मन में कुछ कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा मैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे क्या हैं। अवर प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइजेस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम्स। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएं, लेक्चर्स, वर्कशॉप या जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। स्टूडेंट से हम कोई शुल्क किसी भी रूप में नहीं लेना चाहते, ना ही हम किसी भी एक्सपर्ट को रेमुनरेशन के तौर पर कोई भी आर्थिक मदद कर पाते हैं, चूंकि हम कुछ कहीं से कोई फंडिंग या स्पॉन्सरशिप की व्यवस्था हम नहीं करते। ये सहयोग पर आधारित कार्यक्रम है और सहयोग पर आधारित कार्यक्रम सफलतापूर्वक बहुत बड़े पैमाने पर सतत रूप से चल भी चुका है। नीड बेस्ड लेक्चर्स, सेशंस एंड प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड।
हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे लेक्चर, ऐसे सेशंस, ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें जो कि बच्चों की ज़रूरत हो। हमारी कोशिश रहती है, हम डिमांड करते हैं आपकी नीड का, हम गूगल फॉर्म के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में आपसे कहते हैं आप टॉपिक सजेस्ट करिए। पिछली बार भी हमने यही कोशिश की, जो बच्चों ने हमारे पास टॉपिक्स भेजे जिनमें उन्हें कठिनाई होती थी, एजुकेशन सब्जेक्ट के जो डिफरेंट सब सब सब्जेक्ट्स हैं, सब पेपर्स हैं, उन पर हमने लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। और कुछ लेक्चर्स हमने अपने से भी सोच करके, एक्सपर्ट से बात करके हमने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की थी। आगे भी हमारी यही कोशिश है कि हम लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करें। पूरा फोकस हमारा ये रहेगा कि हमारे जो बच्चे हैं जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके हिसाब से हम काम करें। तो इसमें आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी हम आपसे कुछ पूछें, कुछ आपसे सुझाव मांगें, तब आप हमको ज़रूर लिखें। व्हाट्सअप हमने कुछ ग्रुप्स बनाए हैं, जिन लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था उन सबको हमने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ा है। हमने जनवरी में एक फ्लायर पब्लिक डोमेन में हमने सर्कुलेट किया था कि हम ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और एक गूगल फॉर्म के माध्यम से हमने रजिस्ट्रेशन भी करवाया था जिससे कि हमारे पास डिटेल आ जाए कि कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो टोटल 500 से अधिक लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया है। इसमें हमारे डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, हमारे बीएड के स्टूडेंट्स हैं, एमए एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, एमफिल के भी स्टूडेंट्स हैं, और रिसर्च स्कॉलर्स के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर जो डिफरेंट पार्ट्स में हमारे कंट्री के एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेजेस में गाइड में काम कर रहे हैं, वो सारे लोग सब ने इंटरेस्ट शो किया है। और हमने उस हिसाब से 3 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, गूगल क्लासरूम भी हमने बनाया है जिसके माध्यम से हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। और इस कार्यक्रम को हम अपने फेसबुक ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके पीछे की कुछ वजहें हैं। तीसरा जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, वी परफॉर्म एज अ फिलर इन द टीचर एजुकेशन सिस्टम। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारा फॉर्मल टीचर एजुकेशन सिस्टम है हमारे देश का, बच्चे उनमें जो पढ़ रहे हैं, ये जो टीचर एजुकेटर्स उनमें काम कर रहे हैं, उनकी ऐसी ज़रूरतें जो उनकी संस्था में पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनके यहाँ कोई टीचर नहीं है जिसकी वजह से किसी खास पेपर को वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, या उनकी लाइब्रेरी में कुछ खास पेपर्स की किताबें नहीं हैं जिस पर उन्हें समझने में कठिनाई हो रही है, उसमें हम उनकी मदद कर सकें। या ऐसे टीचर एजुकेटर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं या फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनको अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं और औपचारिकताओं में वो बंधे हुए हैं, वो छुट्टी लेकर के कार्यक्रम नहीं कर सकते, तो हम उनके लिए एक फिलर के रूप में काम करें, ये हमारी कोशिश रहती है। वी वर्क एज एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ फॉर्मल टीचर एजुकेशन। हमारी कोशिश रहती है कि जो फॉर्मल टीचर एजुकेशन सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल टीचर एजुकेशन सिस्टम है, उससे इतर हम एक अल्टरनेटिव जो मोड है उसमें काम करें, एक अल्टरनेटिव मॉडल के रूप में काम करें और जो ज़रूरतें हैं, जो नीड हैं, उस पर काम करें। वी ट्राई टू रीच द मोस्ट नीडी एंड लेस प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ अवर कंट्री। हमारी कोशिश है कि अगर हमारे पास उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, राजस्थान के किसी गांव से भी अगर रिक्वेस्ट आती है कि हमारे लिए इस टॉपिक पर लेक्चर ऑर्गेनाइज कीजिए, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक पर हम एक्सपर्ट से बात करते हैं टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। और एक्सपर्ट हमारे इतने अच्छे हैं, अभी देश में अच्छाई मैं ये मानता हूँ बहुत हद तक है, जीवित है लोगों में, और लोग अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालते हैं आप सबकी मदद करने के लिए। वी ट्राई टू यूटिलाइज द बेस्ट एक्सपर्टाइज एंड रिसोर्सेज ऑफ अवर कंट्री विद द हेल्प ऑफ ICT फॉलोइंग कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव स्पिरिट। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो हमारे देश के शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे टीचर एजुकेटर्स हैं, अच्छे प्रोफेसर्स हैं, उनके लेक्चर्स, उनके सेशंस, उनका एक्सपोजर आप सभी को मिले,
लेकिन चुनौतियां हैं, सभी लोग तैयार नहीं होते, समय का अभाव है, टेक्नोलॉजी यूज़ करने को लेकर के भी चैलेंजेस हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से हम आपकी पसंद के एक्सपर्ट को प्लेटफॉर्म पर नहीं ला पाते हैं। बहुत से बच्चों ने नाम के साथ भी हमसे रिक्वेस्ट की थी जब हमने लेक्चर सीरीज़ को ऑर्गेनाइज किया था। हमने कोशिश की, लेकिन बहुत सारे जो हमारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। हमने एक या दो बार कोशिशें की, उसके बाद हमने छोड़ दिया और हमने दूसरे विकल्पों पर हमने विचार किया और हमें दूसरे विकल्प भी अच्छे मिले और अच्छे व्याख्यान आयोजित हुए। वी गाइड एंड मोटिवेट प्रोस्पेक्टिव टीचर्स एंड प्रोस्पेक्टिव टीचर एजुकेटर्स इन देयर एकेडमिक्स। हमारी कोशिश रहती है कि जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं, जिनमें बीएड एमएड के स्टूडेंट्स हैं, डीएलएड के स्टूडेंट्स भी हैं, बीएलएड के स्टूडेंट्स भी हैं, जितने भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हमारे देश में समय चल रहे हैं, उनको हम गाइड करें, मोटिवेट करें, और हमारे टीचर एजुकेटर्स जो बनने वाले हैं उनको भी एकेडमिक्स में। वी बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स इन इसेंशियली रिक्वायर्ड एरियाज दैट आर अनकॉमन। हमारी कोशिश रहती है या भविष्य में भी कोशिश रहेगी, जो अनकॉमन एरियाज हैं जिनकी बहुत ही सख्त जरूरत है आज के परिवेश में, आज के समय में, ऐसे टॉपिक्स पर, ऐसे सब्जेक्ट पर हम कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स लाएं। जो वर्किंग टीचर्स हैं, इन सर्विस टीचर्स हैं, इन सर्विस टीचर एजुकेटर्स हैं, वो भी हमें लिखें, वो भी हमको मेल करें। हमारा ईमेल आईडी है imteachereducator@gmail.com, imteacher@gmail.com। हमें निसंकोच लिखें आप, चाहे टीचर एजुकेटर के रूप में, चाहे टीचर के रूप में। हो सकता है आप प्राइमरी स्कूल में टीचर हों, विश्व शिक्षा परिषद में या केंद्रीय विद्यालय में, या फिर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में, नवोदय विद्यालय में आप टीजीटी के रूप में काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमें इस एरिया में कुछ सीखना है, समझना है। हमारी जो टीम है वॉलंटियर्स की, वो एनालाइज करेगी कि हाँ, डिमांड किस एरिया से ज़्यादा आ रही है, और हम सर्च करेंगे, जो एक्सपर्ट है उस फील्ड के हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। वी विल गाइड एस्पिरेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स लाइक सीटेट, स्टेट लेवल टेस्ट, PGT एजुकेशन, UGC नेट इन एजुकेशन सब्जेक्ट, स्टेट एंड यूनिवर्सिटी लेवल रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में रिटन एग्जाम्स होने लगे हैं और स्टेट लेवल पे एग्जाम्स होते हैं। हमारा UP पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट करता है, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन भी रिक्रूटमेंट करता है, और उसी कड़ी में हमारा जो पहला प्रोग्राम है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के इनॉग्रेशन के बाद 5 बजे से हमारे मिस्टर नितिन त्यागी जी, जो कि टॉपर हैं, अभी रिसेंट में ही इन्होंने टॉप किया है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम हुआ था 2007 एडवर्टीजमेंट वाला, एजुकेशन सब्जेक्ट में उन्होंने टॉप किया, BEd सब्जेक्ट में उन्होंने टॉप किया है, वो गाइड करेंगे ऐसे लोगों को जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। We organize lecture sessions on contemporary and emergent issues of education. हमारी कोशिश रहती है जो उभरते हुए मुद्दे हैं, चुनौतियाँ हैं शिक्षा शास्त्र विषय की, उन पर भी हम लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज करें। ICT से जुड़े सेशंस, लेक्चर्स हमने ऑर्गेनाइज किए हैं, और भी फोकस्ड होके हम कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी। जैसे ही हमारे पास एक्सपर्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी, हमारे वॉलंटियर्स हमको हेल्प करेंगे इस काम में, हम वैसे ही आपको सूचित करते रहेंगे। आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जरूर जुड़े रहें, उसके अनाउंसमेंट सेक्शन को जरूर देखते रहें, और सबसे महत्वपूर्ण, पिछली बार काम करने में बड़ी कठिनाइयां हुई, बहुत सारी चीज़ों को मैंने मैनेज किया अकेले, हमारे पास वॉलंटियर्स की टीम बहुत छोटी थी। हम अब वॉलंटियर्स की एक टीम बनाना चाहते हैं जो हमारे सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि कोई बड़ा काम जब करना हो, बड़े समूह की मदद करनी हो, एकेडमिक हेल्प की ही मैं बात कर रहा हूँ,
तो अकेले करना या छोटी टीम के साथ करना मुश्किल होता है। जैसे हमें जरूरत पड़ती है, हमें पोस्टर क्रिएट करना होता है, हमें वीडियोस की एडिटिंग करनी होती है, हमें ऑनलाइन सेशंस को ऑर्गेनाइज करना होता है। अब जितने तरह के प्रोग्राम हम सोच रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, हमारे एमएड के स्टूडेंट्स, हमारे एमएड के साथ साथ बीएड के स्टूडेंट्स आगे बढ़कर आएं, जो मंच संचालन अच्छा कर सकते हैं, जो इवेंट्स को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इवेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, वो हमें लिखें, उनको हम मौका देंगे कि वो हमारे रिसोर्स पर्सन्स के साथ इवेंट को कोऑर्डिनेट करें, ऑर्गेनाइज करें। इससे हमें भी अच्छा लगेगा, हम ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे, ज़्यादातर लोगों के साथ हम कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और आपको भी हम एक एक्सपोजर दे पाएंगे एक एक्सपर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करने का। तो हमें लिखें, हमारी टीम में आपका स्वागत है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं, जुड़ने के बाद आपने देखा होगा कि हमारे टीचर एजुकेटर्स के ग्रुप पर अब हम पोस्ट को अप्रूव करते हैं, डिक्लाइन करते हैं, हम छटनी करते हैं कि हमारी ग्रुप के लिए, हमारे ग्रुप के मेंबर्स के लिए कौन सी पोस्ट अच्छी है, कौन सी मीनिंगफुल है, कौन सी यूजफुल है। हमारे जो मॉडरेटर्स हैं, चाहे वो हमारे मॉडरेटर्स, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके मॉडरेटर्स हैं या इसके, दोनों ही मॉडरेटर तरह के मॉडरेटर्स लगातार काम करते हैं। जब भी उनको समय मिलता है वो पोस्ट को अप्रूव करते हैं और आपकी सूचना एक बहुत बड़ी कम्युनिटी तक जाती है। तो हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो सप्ताह में कुछ घंटे का समय दान करें। सप्ताह में अगर आप 1 घंटे भी देते हैं, 2 घंटे भी देते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से, हमारे लिए बहुत होगा। मिनिमम 1 आवर पर वीक एज ए बीएड स्टूडेंट, एज ए एमएड स्टूडेंट, जो भी आप टीचर एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं, केवल उन्हीं लोगों को हम रखना चाहते हैं क्योंकि वो एजुकेशन सब्जेक्ट की बारीकियों को समझते हैं। उनको हम ट्रेन भी करेंगे आईसीटी स्किल्स में। अगर उनको सोशल मीडिया टूल्स यूज करना नहीं आता है तो हम उनको निश्चित रूप से सिखाएंगे भी। अंत में मैं अपील करना चाहूंगा, आई अपील टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस एज ए वॉलेंटियर और एज अ रिसोर्स पर्सन और एज अ गेस्ट स्पीकर और एज अ इवेंट मैनेजर इन दिस इनिशिएटिव, सो दैट आई कैन मैनेज दिस, वी कैन मैनेज दिस टीच ऑनलाइन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम स्मूथली। आई एम श्योर दैट कलेक्टिवली वी विल मेक अ डिफरेंस एंड हेल्प अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी कैन ऑल्सो यूटिलाइज अवर टाइम ऑफ दिस पैंडमिक वेरी एफिशियंटली। अंत में यही कहना चाहूँगा कि 5 बजे से हमारा सेशन भी है, आप सब हमारे इस प्रयास में हमारा सहयोग करें, हमें लिखें, हमें सहयोग करने के लिए लिखें, आपका स्वागत है। हमने अपने अपने इनिशिएटिव के बारे में, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया है। इसमें अभी कुछ चीजें मैंने साझा करूंगा ग्रुप के बारे में। हमारे पांच बजे से हमारा अगला कार्यक्रम है, तो मैं औपचारिक रूप से ये घोषणा करता हूं कि आज से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप अपनी संस्थान के बीएड स्टूडेंट्स को, एमएड स्टूडेंट्स को, पीएचडी स्टूडेंट्स को, एमए एजुकेशन स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, कलीग्स को, टीचर एजुकेटर्स को, डाइट के हों, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से हों, इस समूह से जुड़ें। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं। हमारा ये ग्रुप फोकस ग्रुप है, आप जुड़ें, जुड़ने की सुविधा है, आप जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप से, बहुत आसान है जुड़ना, और कार्यक्रमों में आप सहभागिता भी करें, आपसे हमारी ये गुजारिश है। यही हमारा संदेश है और इन्हीं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी शुभकामनाएं, शुभकामनाओं की अपेक्षा करते हुए बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से इस ऑनलाइन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं। आप सभी को सादर प्रणाम। थोड़ी ही देर में 5 बजे से
हमारा अगला जो कार्यक्रम है, जो पहला कार्यक्रम है, जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है, भविष्य में विज्ञापन आया हुआ है, आया हुआ था, लोगों ने अप्लाई किया है, भविष्य में भी आएगा, और जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन का भी विज्ञापन आ चुका है जिसमें आप लोगों ने अप्लाई किया है, या जो लोग एमएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, भविष्य में उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छा है शिक्षा शास्त्र विषय में बीएड के लेवल पर, वो लोग वेट करें और ठीक 5 बजे से हमारा वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में आपने शिरकत की, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।